हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए, आज मैं जा रही हूँ बनाने ये लाल वाला चलाई का साग। यहाँ पे तो चलाई बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं इस साग को कमेंट में ज़रूर बताइए। तो हमने ये आधा किलो साग ले लिए, उसको अच्छे से धो के छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए। और इधर हम कढ़ाई चढ़ा दिए गैस पे, उसमें हम डाल दिए सरसों का तेल और ये 5-6 कली लहसुन के डाल के। देखिए, लहसुन भी पक गया है। साग में लहसुन का तड़का लगाने से ना बहुत टेस्टी बनता है। तो ये देखिए, लहसुन लाल हो गया, लहसुन पक गया है। तब हम इसमें डाल देते हैं ये मिर्ची, लाल मिर्च, हरी मिर्च डाल दिए। तो ये तड़का लग गया। और इसमें हम डाल दिए ये लाल वाला चौलाई का साग। तो इसको काटना नहीं है ज़्यादा बारीक, ये गल के थोड़ा ही थोड़ा हो जाएगा। देखिए, देखने में लग रहा है फ्रेंड बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी ये चलाते चलाते बिल्कुल ही थोड़ा हो जाएगा गल के। और इतना विटामिन से भरपूर है ये साग, जिसके शरीर में खून की कमी हो उसको ज़रूर खाना चाहिए। उसका खून पूरा कर देता है, यानी कि ब्लड बनाने वाला ये साग है, तो ज़रूर खाना चाहिए। तो देखिए, हम इसको भी ढक दिए। ढकने के देखिए 5 मिनट बाद देखते हैं, तो ये साग गलने लग गया है। और इसमें कुछ भी मसाला नहीं डालना है, सिर्फ नमक डालेंगे। नमक डालने से ये साग अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी। तो आप लोग भी फ्रेंड ज़रूर बना के खाइए। सब पूरे सीजन में सालों भर मिलता है साग, लेकिन अभी जो आ रहा है ना सर्दियों वाला, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल लेते हैं, अब बाकी कोई मसाला नहीं डालेगा। अगर हम इसमें चना डाल के बनाते ना, तो हम उसमें मसाला डालते। पहले हमने शेयर किया हुआ है चना डाल के, गांव के स्टाइल में बनाया था। और ये मैं ऐसे ही बना रही हूँ भुजिया। तो आप लोग देखिएगा मेरा बनाने का तरीका, अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी बना के ज़रूर खाइएगा। तो ऐसे ही हम इसको ढक ढक के गला लेते हैं साग को, बहुत जल्दी बन जाता है, टाइम नहीं लगता है। तो देखिए, इसको हम ढक ढक के चला लेते हैं, उससे साग गल गया है, बहुत ही जल्द गल जाता है फ्रेंड। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अगर ये चावल के ऊपर रखेंगे ना साग, तो एकदम चावल का भी कलर लाल हो जाता है। तो सोचिए कितना विटामिन है इसके अंदर, इसीलिए साग तो खाना ही चाहिए। तो देखिए, हम फिर ढक के हटा दिए, इसमें पानी भी नहीं डाला हमने, पानी अपने आप ही छोड़ देता है साग। तो देखिए, हमारा अगर बनाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगे, साग लाइए और फटाफट बनाइए, बहुत जल्दी बन जाता है। तो जैसे इसमें पानी छोड़ दिया ना, अब इसको पानी को सुखा लेंगे, बस मेरा साग बनके तैयार हो जाएगा। इसको चाहे रोटी के साथ खाइए, चाहे दाल चावल के साथ, बहुत ही टेस्टी लगता है। और कोई ना मसाला, ना कोई प्याज, कुछ भी नहीं, ना टमाटर, बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है सब ये साग की सब्जी। हम लोग के गांव में इसको गेंदारी का साग बोलते हैं, और यहाँ दिल्ली में इसको चलाई बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट में बताइए। और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई, मेरा भी रेसिपी देखते हैं कोई। तो देखिए कितना सा हो गया फ्रेंड साग, चलाते चलाते बिल्कुल ही गल गया, थोड़ा सा हो गया। खाने में इतना टेस्टी लगेगा ना कि क्या बताऊँ। अगर आप लोग एक बार बना के खाएंगे तभी टेस्ट पता चलेगा, देखने से टेस्ट पता नहीं चलता है। जो नहीं भी खाते होंगे ना, वो भी खाने लगेंगे। तो आप लोग ज़रूर एक बार बनाइए, अभी बहुत मिल रहा है बाज़ार में, बहुत साग आया है। हम लोग तो थोड़ा बहुत गमले में भी उगा लेते हैं खाने लायक। तो देखिए फ्रेंड, साग बन के तैयार हो गया मेरा। फिर हम इसी तरह रेसिपी लेके मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय।